खुशबू है जाफरान डाला माशाल्लाह। आप डॉक्टर नहीं, आप फूडी ये अभी ऑश ट्राई करने लगे हैं। ये पहली बार मैं जिंदगी में ट्राई कर रहा हूँ, पहले कभी नहीं खाया ऐसा चीज। फुल गरम, धुआं निकल रहा है इसमें से, और इस तरह अंदर टिपिकल अरेबियन फूड की तरह ही है ये। तो इतने ज़्यादा हमने स्पेशल ड्राइवर मंगवाया है, बहुत ही स्पेशल, बहुत ज़्यादा। मक्की भाई क्या हाल चाल है? चले आज हमें मक्की भाई ड्रॉप करेंगे इंशाल्लाह एयरपोर्ट में। आमीन। इसका मतलब क्या होता है वो भी हमारे उर्दू। अल्लाह करे कि हमारा रास्ता सलामती से गुजरे। माशाल्लाह, देखें बहुत निहायत शरीफ, और मैं इस तरह के जो भी अल्फाज होते हैं सारे आप समझ लें, इतने अच्छे हैं मक्की भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड गिफ्टेड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल मालिक फरीद, और अभी मैं जा रहा हूँ दुबई के लिए मक्कतुल मुकर्रमा से निकल के। लेकिन उससे पहले नाश्ता, अरब ट्रेडिशनल फूड नाश्ते में। आज हम लोग यहाँ से नाश्ता करने वाले हैं अबू जैद से। ये उम्मल कुरा रोड है, सीधा मस्जिदुल हराम की तरफ जा रहा है और सीधा जिद्दा की तरफ जा रहा है। ये हमारा फूल आ गया है, यहाँ पर मासूब है ये वाला, और ये है रोटी तमीज। अब हमारी एक चीज बाकी है, मुतबक। शुक्रन। यहाँ पर अक्सर सेल्फ सर्विस होती है, और मैं हमारे माजिद भाई को नींद आई। ये यहाँ पर तमीज रोटी है, इसको तमीज कहते हैं। और सबसे पहले ये जैतून के तेल के साथ हम लोगों ने लिया है फूल, और इसे ट्राई करें। ये देखें, ये है फूल, ये बीन्स साथ में आ रहे हैं इसके। बिस्मिल्लाह, ये जैतून, ये जैतून यानी कि जैतून का तेल, मज़ेदार है। ये लोग तहिनिया और ऊपर दूसरी चीज़ें डाल के देते हैं, मसाला वगैरह। अब मुतबक ट्राई करूँ। फुल गरम, धुआं निकल रहा है इसमें से, और इस तरह अंदर कीमा सब्ज़ी और अंडा डाला हुआ है इसमें। मुझे पता है ये मज़ेदार है, गरम है बहुत और बहुत मज़ेदार है। हम लोग यहाँ से खाते रहते हैं वैसे ही। और ये है मासूब विद हनी एंड चीज़, इसको मासूब कहते हैं। ऊपर चीज़ है, यहाँ पर शहद डाला हुआ है, इसीलिए हो गया मासूब विद हनी एंड चीज़। सही, लाजवाब। आ हा हा, शहद का जो मज़ा आता है ना, ये मरने वाला हो गया जो कैमरे के पीछे है। Did you look at the night, see the light of the moon? Did you look at the sun, giving you warmth? Thanks to Makki and Majid bhai. You are most, most welcome. Allah. Allah Allah. It is from the creator, you can't get enough. He is everywhere. जिद्दा का नया एयरपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, यहाँ पर काफ़ी सहूलियात और बहुत बड़ा है माशाल्लाह। अब यहाँ पर हम लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं जो हमें आगे लेके जाएगी। दो मिनट रहते हैं ट्रेन में बस। जो मेट्रो ट्रेन वाला सिस्टम होता है उसी के थ्रू हम लोग आए हैं वेटिंग एरिया तक। अब यहाँ पर वेट करेंगे इंशाल्लाह, लिफ्ट के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर सही मॉल टाइप है सब कुछ।
आज हम लोग इस जायंट के ऊपर करने वाले हैं सफर, वर्ल्ड बिगेस्ट कमर्शियल एयरप्लेन एयरबस A380। इस एयरोप्लेन में दो फ्लोर्स हैं, एक ऊपर एक नीचे, पूरा पूरा। ये मगरमच्छ, इतना बड़ा जहाज माशाल्लाह। तीन तो इसमें सीढ़ियाँ ऐड होंगी, एक ऊपर वाले फ्लोर के लिए, दो नीचे के लिए। वो मेरा बैग जा रहा है नीचे, सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो ऊपर वाले फ्लोर पे हैं वो ऊपर से जा रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं, और जो प्लेन के नीचे वाले फ्लोर पे हैं वो नीचे से जा रहे हैं। इसको यहाँ पर प्लग इन करके आप टेलीविज़न देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिल करे आपके देखने को। इधर काफ़ी कुछ है, गेम वगैरह भी खेल सकते हैं शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। गेमिंग पैड लग रहा है, इसको ऐसे निकाल सकते हैं सुकून से। ये आपका रिमोट है, यहाँ पर बैठ के इंजॉय करें। इंग्लिश रेडियो चल रहा है यहाँ पर, अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है। और साथ में पिलो। نرجو منكم الانتباه الكامل بينما نعرض لكم تعليمات السلامة على متن رحلة طيران الإمارات مزودة بأجهزة كشف الدخان. What's below? How fast we're flying and when we'll arrive? Or simply did you look at the night? See the light of the moon? Did you look at the sun? Giving you warmth? Did you look at the sky? Are you falling in love? It is from the Creator. You can't get enough. He is everywhere. And he knows. अच्छा, इसमें कैमरास भी हैं, बाहर का आप देख सकते हैं। ये देखिए, बाहर के कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। ये देखिए, ये जा रहा है लाइव, लेकिन कोई इतना मज़ेदार। ये नीचे का कैमरा देख रहे हैं, साया नज़र आ रहा है एयरक्राफ्ट का, और ये है छत का, आसमान ऊपर से दिखा रहा है, पता नहीं। ये वाली जो बिल्डिंग बन रही है ये जद्दा की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है। अच्छा, यहाँ पर ऑन एयर वाईफाई है अगर आप यूँ कनेक्ट करते हैं, लेकिन मेरे पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड है तो अभी मैं इंटरनेट भी एक्सेस कर सकता हूँ, वरना वाईफाई जैसे ही आप खोलेंगे यहाँ पर आपको मेन्यू मिलता है जो कि यहाँ पर इस एयरलाइन में मौजूद है। तो मैं अभी चैट कर रहा था यहाँ पर। इसमें यहाँ पर राइस एंड कोफ्ता है, और यहाँ पर ये नन्हे मुन्ने से ब्रेड्स हैं। ये रोटी इसके नीचे रखी हुई थी, ये कोफ्ता चावल के नीचे ताकि गर्म रहे। और यहाँ पर आई थिंक ऑरेंज जूस, और यहाँ पर पानी सादा, यहाँ पर स्वीट केक वगैरह आप ले सकते हैं, और यहाँ पर है मुतबिलात जिसको कहते हैं, यहाँ पर ये ऑलिव वेक रखा हुआ है, जैतून। टिपिकल अरेबियन फूड की तरह ही है ये, कोई इतना ज़्यादा वो चीज़ नहीं है जैसे हमारा देसी खाना होता है, लेकिन अच्छा है। तो ये यहाँ पे बैंगन का भरता है, ये पूरा बैंगन है, लेकिन मज़ेदार है, इसे आप इसके साथ ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। Did you look at the night? See the light of the moon? Did you look at the sun? Giving you warmth? Did you look at the sky? Are you falling in love? سيدي المسافر، يا صباح مساءكم، احببكم في مطار دبي الدولي، حصلت المحل.
दुबई में पहली बार मैं आया हूँ, देखते हैं यहाँ का तजर्बा कैसा होगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर रहने का, यहाँ पर कौन कौन सी जगह पे घूमते हैं, ये सब कुछ देखेंगे। खूबसूरत है वो, बहुत खूबसूरत है जो पानी गिर रहा है वहाँ पर। अभी तक तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक। यहाँ पर भी सेम जद्दा वाला सिस्टम ही है, ट्रेन पे लेके जाएंगे, मतलब मेट्रो ट्रेन जो है टर्मिनल 3 से हम लोगों ने एग्जिट करना है। चलें जी, सामान भी कलेक्ट हो गया, बस अभी निकलने वाले हैं बाहर इंशाल्लाह, और बाहर हमारे ड्राइवर वेट कर रहे होंगे, देखते हैं कौन है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल, ठीक ठाक है जी? बस ड्राइवर को कॉल कर रहा हूँ। ओके, एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी जा रहे हैं होटल की तरफ, जाके देखते हैं कि पहली बार दुबई में आया हूँ, अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, और लिमो में जा रहा हूँ अपने होटल तक, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। See the birds how they fly, feel the tears when you cry, he's the one who gives everything, he'll never leave you behind. होटल में पहुंच चुके हैं, इस तरफ वॉशरूम है और ये हमारा होटल है। यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने कचरा कर दिया आते ही, लेकिन ये हमारा होटल है, और इस तरफ है कुछ बाहर देखने के लिए अगर कुछ देखना हो आपने, यहाँ पे बाजार है। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे जो होस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर मुझे वीज़ा वगैरह निकाल के दिया और मुझे होस्ट कर रहे हैं ख़ास तौर पर, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है मेरी, तो उनके पास मैं आज जा रहा हूँ, उनके साथ करना है डिनर। और वो एक इमाराती सिटीज़न है, यानी कि अरब हैं वो, और उर्दू भी बोलते हैं, तो उनके साथ मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी होंगी, तो चले उनसे मिलते हैं, और कुछ इमारात के बारे में, कुछ दुबई के बारे में मज़ीद जानने को मिलेगा हमें। अभी जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था दुबई में, जिनके पास मैं आया हूँ, डॉक्टर सुहेल साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। कोई बात नहीं, देखो मेरा नाम है सुहेल, मैं नेशनल हूँ दुबई का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से उर्दू बात करना आता मुझे। मेरा काम है डॉक्टरी का, सर्जन हूँ, और बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा दोस्त अब्दुल मलिक है यहाँ पर इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने देखा कि दुबई के सिटीजन अरब उर्दू बोल रहे हैं और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। वेलकम वेलकम अब्दुल मलिक, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। जैसा बोलते हैं यहाँ पर हमारे ट्रेडिशन में, नवर्थ दुबई, दुबई को आपने नूरानी कर दिया, और जवाब में बोलते हैं नूर बेवजूदकुम, यानी कि आप लोगों की वजह से नूर मौजूद है पहले से। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हम लोग शेख साहब के पास आए हैं, हमारे डॉक्टर सुहेल साहब, और यहाँ पर ये चीज़ है सबसे पहले, और सॉरी मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि जाहिर है उनके साथ गपशप लगा रहे थे, तो वो सारा फिर भूल गया, मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जितना दिखा पा रहा हूँ उतना दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये शरबत है, काफ़ी अजीब शरबत है, यानी कि इस तरह के शरबत मैंने नहीं पिया हमारे मुल्कों में, खुशबू वाला है, हो सकता है कादी हो, एक कादी चीज़ होती है वो हो, लेकिन खुशबू वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त, लाल है अंदर से, साथ में यहाँ पर वो चिप्स वगैरह होती है, और यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, पिस्टाशो, पिस्ता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इधर मैंने देखा है यहाँ पर काफ़ी परफ्यूम्स हैं, ये क्या अरब की ट्रेडिशन है? ट्रेडिशन है यहाँ पर, जब भी कोई घर पर आते हैं तो इट्स वन साइन कि क्या कहूँ कि जब यहाँ से निकल जाते हैं तो खुशबू के साथ जाने को, ताकि अच्छी मेमोरी रह जाए उनके पास। अच्छा। इसके लिए हाथ पर लगाते हैं परफ्यूम, ताकि जब बाहर जाएंगे बार बार ये बात आके उसको याद आएगा कि कितनी अच्छी टाइम गुजारा उसने मजलिस का। माशाल्लाह, इसलिए मैंने इधर अतर लगाया है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये यहाँ पे अरब मजलिस है, शेख सुहेल के पास आए हैं हम, तो यहाँ पर ये अरब मजलिस है, ये जुमेरा है, जुमेरा 3 इस तरफ रोड है, और ये इधर एक मजलिस बनी हुई है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त, ये छत के मनाजिर हैं, और ये ऐसे यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह हैं, काफ़ी खूबसूरत माशाल्लाह, और
इस तरफ है असल दुबई जो नज़र आते हैं हमें फोटोज में, वीडियोस में अक्सर हम देखते हैं, ये दुबई के टावर्स। और रात के टाइम पे असल आंख के साथ देखने का अलग ही मजा है इसका। माशाल्लाह मेरी ही वीडियो लगा दी। ये देखें ये मस्जिद बिलाल मेरे पीछे है और यहाँ पर ये मदीना। अरब कल्चर में ऐसी जगह बनानी बहुत ज़रूरी है, मजलिस, जहाँ पर बैठें शाम को या फिर कोई मेहमान आए वो लोग बैठें, ये चीज़ अरब कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे बैठने वाली जो मजलिस है ये भी बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए देखें यहाँ पर नीचे मजलिस बनी हुई है बैठने वाली, और मॉडर्न टाइप की मजलिस बनाना भी ज़रूरी होता है। ज़ाहिर है कि अब हर चीज़ मॉडर्न है। ये यहाँ पे अभी बारबेक्यू बन रहा है। कौन कौन सी चीज़ बना रहे हैं? चिकन टिक्का है और कबाब, ईरानी कबाब है। ईरानी कबाब जी, और एक सीख कबाब है, ईरानी कबाब। अच्छा ये सीख कबाब, माशाल्लाह। दुबई में यहाँ पर पूरे टावर सामने हैं और यहाँ पर छत पे ये कबाब्स बन रहे हैं, ये खाएंगे अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक। दही का है ये? दही का है जी। अच्छा और ये चिकन टिक्का है, ये ईरानी, इसका बोल ईरानी कबाब दही के अंदर। ओके और ये चिकन टिक्का? चिकन टिक्का। और वो कबाब? ये इंडियन स्टाइल है। जबरदस्त माशाल्लाह। इसको इसको कहते हैं ओश। ओश ओश, इट इज अ सूप, लाइक अ थिक सूप फ्रॉम द साउथ ऑफ ईरान एंड द अरेबियन गल्फ। ओके, इसके अंदर थोड़ा मीट डालते हैं, तरह तरह के वेजिटेबल्स डालते हैं, बीन्स डालते हैं, माशाल्लाह सूप बनाते हैं। एंड व्हाट इज दिस? ये है स्प्रिंग रोल, चाइनीज है। ओके, स्प्रिंग रोल जिसके अंदर वेजिटेबल्स है। ओके ग्रेट माशाल्लाह। यहां पर सैलेड है, यहां पर सैलेड है हमारे पास। यहां पर रायता रखे हैं, ये रायता। और यहां पर समोसा है, ये समोसा होममेड, होममेड समोसा, होममेड है सारा खाना, होममेड। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, थैंक यू थैंक यू। ये कबाब अभी जो हमने देखे थे, आ गया हां राइट फ्रॉम द सीख। इमराती लोग इस रोटी को क्या कहते हैं? लवाश। लवाश, हां लवाश। हम लोग ट्राई करते हैं, ये कबाब्स हैं हमारे पास, चुलो कबाब। इसको कहते हैं चुलो कबाब? हाँ, ईरानियन स्टाइल, ईरानियन स्टाइल। किस तरह? फंटास्टिक, बहुत जबरदस्त। उसके बाद है ये योगर्ट कबाब, ट्राई करना, शायद इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू, ट्राई कर लीजिए। योगर्ट कबाब यही है ना? दही के अंदर है। Totally different. Different style, ना? Yogurt kebab बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको आप समझा दो। Chicken tikka. सब लाजवाब, बहुत अच्छा है। ये अभी ओश ट्राई करने लगे हैं, ये पहली बार मैं ज़िंदगी में ट्राई कर रहा हूँ, पहले कभी नहीं खाया ऐसा चीज़। नॉर्मल सूप्स तो बहुत पिए हैं लेकिन ओश पहली बार, बिस्मिल्लाह। ओ आप डॉक्टर नहीं, आप फूडी हैं। ये क्या चुन चुन के चीजें रखी हैं, ये लाजवाब। How's it? बहुत मजेदार, बिस्मिल्लाह, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनाया। इतना अच्छा खाना बनाया घर पे कि कमी कोई नहीं छोड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। दिस इज मैंगो पुडिंग विद आइसक्रीम। ओके माशाल्लाह। एंड दिस इज मिक्स्ड फ्रूट सैलेड, दिस इज एवरीवनस फेवरेट। उसका पर आइसक्रीम डाले, पिघल गया आइसक्रीम, बस करो चलो बिस्मिल्लाह। मैंगो पुडिंग विद आइसक्रीम, आइसक्रीम हैज मेल्टेड नाउ। ओके अभी ये ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। लेकिन इस तरह का मैंने खाया हुआ है, हम लोग भी घर में बनाते हैं, हां आइसक्रीम के साथ नहीं, विदाउट आइसक्रीम, लेकिन फंटास्टिक। फौरन रिकॉल हुआ है मुझे टेस्ट मेरे घर का, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने जो ओश थी अपनी भूख से ज्यादा मैंने खा लिया, बहुत ज्यादा खाया है, वरना ये मैं खाता। ये फ्रेश फ्रेश फ्रूट सैलेड, माशाल्लाह फ्रेश फ्रूट सैलेड। ये
खुशबू है ज़ाफ़रान डाल माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। एंड बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त अल्लाह इकरमक या शेख। देखें वही जो ट्रेडिशन थी यहाँ पर भी अतर रखा हुआ है ना। इधर आ देखो यहाँ पर स्टाइल उनका देखो शाय करक गहो माशाल्लाह। ये आप लोग ये नोटिस करें कि ये सब कुछ घर में है, ये रेस्टोरेंट नहीं है जिसमें ऐसी प्रेजेंटेशन ऐसे आइटम्स, ये घर है आप अंदाजा लगाएं यानी। माशाल्लाह शुक्रिया शुक्रिया जज़ाकअल्लाह खैर। बहुत कहवा कहवा दे पहले करक भी ट्राई करो। नहीं करक तो नहीं, प्लीज थोड़ा मैं चाय खोर नहीं हूँ प्लीज मुझे। हाँ मैं सिर्फ एक एक इतनी कबाब के बाद चाय पीना चाहिए। खलास कहवा वाले में दे दें, कहवा वाले में छोटा छोटा वो ये भी वही सब बड़े हैं आपके पास छोटा कप नहीं है। दिस इज फॉर करक के लिए। ओके चाय के लिए कहवा वाले। बस 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 नहीं कैफी है الا يكفي انا بدي اذوق بس جزاك الله خير الله يحفظك شكرا الله يكرمك وياك وياك عرب كوفي پھر بھی کافی ساری ڈال دی ہے ہمارے دوست نے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے آج میرا معدہ جو ہے نا بالعافیہ يا ابو الله يعافيك ما شاء الله بالعافیہ یہ پھر سے لگا رہے ہیں ہمیں عطر جزاك الله خير جزاك الله خير او کمبودی वही है ना। ये ऊद बहुत मज़ेदार है बहुत बहुत अच्छा ऊद है कंबोडी अदर लेवल। कड़क चाय कहते हैं कि ज़रूर पियो ये स्पेशल है तो अब क्या करें पीना पड़ रहा है। ठीक है ओपिनियन भी देना चाहिए डिफरेंट वेरी डिफरेंट। दैट्स व्हाई इट इसमें इलायची डाली हुई है कड़क चाय खुशबूदार है काफी खुशबूदार है ज़ाफ़रान भी थोड़ा अंदर है बहुत जबरदस्त। एक अरब के घर में ऐसे खाने ये मैं जितनी जिंदगी मैंने गुजारी है अरब्स के साथ मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन अरब के घर में ऐसे खाने मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए थे कैसे होंगे बिल्कुल। मेन थिंग थैंक यू सो मच इतनी हॉस्पिटैलिटी के लिए ला 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 बहुत बहुत ज्यादा आपने किया आपका घर ही है जज़ाकअल्लाह खैर। शब्बीर खालिद ये शक्कर की तरह